जो काम मैं करना चाहता था वो अब हैदर अलमास करने जा रहे थे। मैंने तो चौधरी बासित को महज धमकी दी थी, लेकिन हैदर अलमास अमली जामा पहनाने जा रहे थे। मुझे भी अब चौधरी बासित की परवाह नहीं थी, क्योंकि हैदर अलमास मुझे उससे ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे। फिर वो चौधरी साजिद के बारे में बताने वाले थे। उसके बाद मैं चौधरी साजिद से अपनी बहन रोज़ीना के बारे में मालूम कर लूँगा। अगर वो अभी यहाँ हुई तो उसे बाजियाब कराने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हैदर अलमास बोले, जब तुमने चौधरी बासित को बताया कि तुम वीडियो किसी के हवाले कर रहे हो तो वो तिलमिला गया था। उसने अंदाजे से मुझे फ़ोन किया था। मेरी उससे अच्छी खासी झड़प हुई थी। वो बहुत गु़स्से में था और उसने मुझसे वीडियो की बाबत पूछा था, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे बेनकाब करके रहूँगा। उसने मुझे जान से मार देने की धमकियाँ दी हैं। ओह, मेरे मुँह से बेख्तियार निकला, लेकिन मैंने आपका नाम तो बताया ही नहीं। वो बहुत चालाक है, उसने अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन मैं उसकी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले, फिर भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। मैंने कहा, हाँ खैर। वो एक तवील सांस लेकर बोले, मैं मोहतात हूँ। अच्छा हैदर साहब, मैंने अपने वादा पूरा कर दिया है, अब आप भी अपना वादा पूरा करें। मैंने कहा तो उन्होंने इस्बात में गर्दन हिला दी। हाँ, मुझे याद है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, पहले इस वीडियो को ऑन एयर हो जाने दो। मैं लोगों और ख़ास तौर पर हुकूमत का रद्दअमल देखना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद तुम्हें चौधरी साजिद से मिलवा दूँगा। बहन की रिहाई में भी तआवुन करूँगा, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सब्र करो, सब्र करना अच्छी बात है। उसी लम्हे अम्मा जुलैखा हमारे लिए चाय ले आई और हम बातें करने के साथ साथ चाय भी सिप करते रहे। अचानक मुझे कुछ याद आया तो मैंने कहा, एक बात पूछनी थी। क्या आप जानते हैं कि चौधरी बासित को मेरे ठिकाने का कैसे इल्म हुआ था? इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता, हैदर अलमास ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मुझे मेरे मुखबिर ने ही बताया था, वो चौधरी बासित के पास मुलाजमत करता है। उसने चौधरी बासित को किसी से बात करते हुए सुना था। उसने अपने कारिंदे से कहा था कि वो फ़ौरन गरीबाबाद वाले मकान पर पहुंच जाए, अली हसन अपनी फैमिली समेत वहां छुपा हुआ है। मैं इंगश्ते बदनदां रह गया। चौधरी बासित मेरे ठिकाने के बारे में कैसे जानता था? मैं इसी मखमसे का शिकार था कि हैदर अलमास की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। ज़्यादा मत सोचो, खामखा में अपना दिमाग थकाओगे। फिर वो कप मेज़ पर रख कर उठ खड़े हुए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक अम्मा जुलेखा से कह देना। जी ठीक है, मैं उठते हुए बोला। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया तो उन्होंने अपनी वास्कट की जेब से एक कागज़ निकाल कर मेरी तरफ़ बढ़ाया। ये क्या है? मैंने पूछा। खोल कर देख लो। मैंने कागज़ खोला तो दूसरे ही लम्हे मैं हैरान रह गया। ये वो कागज़ था जो मैंने थानेदार को लिख कर दिया था कि अगर मैं चौधरी बासित या उसके बेटे शानी के इर्द गिर्द मंडलाता हुआ दिखाई दिया तो मेरे खिलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इसकी कॉपी भी थाने में मौजूद नहीं है, हैदर अलमास साहब बोले। अब तुम चौधरी बासित और उसके बेटे के इर्द गिर्द दिखाई दे सकते हो। उनकी बात पर मैंने कहकहा लगाया तो वो हंस पड़े। फिर उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और वहाँ से रुख्सत हो गए। तो मैंने वो कागज़ फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें डस्टबिन में फेंक कर अम्मी और मरीना के पास चला गया। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा अम्मी मरीना से उलझ रही थी और मरीना उन्हें संभालने और समझाने की हत्यूल मकदूर कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है? मैंने अम्मी के पास चारपाई पर बैठे हुए मरीना से पूछा। इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, अम्मी ने तल्ख लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर उन्हें देखा। उनका रवैया बदला हुआ था और वो काफ़ी सीखपा दिखाई दे रही थी। अम्मी, आपको क्या हो गया है, आपकी तबीयत? मैंने कहते हुए अम्मी की कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। ये बात मेरे लिए बाइसे ताज्जुब थी, अम्मी ने कभी यूं मेरा हाथ नहीं झटका था। तुमने मुझसे झूठ बोला, इसने भी झूठ बोला, अम्मी ने पहले मुझसे और फिर मरीना की तरफ इशारा करते हुए कहा। झूठ? मैं चौंका। तुमने कहा था कि हम जहां जा रहे हैं रोज़ीना वहीं आ जाएगी, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, वो नहीं आई। क्यों नहीं आई, बताओ, क्यों नहीं आई वो? इससे पहले कि अम्मी का अंदाज़ हिज़यानी होता, मैंने जल्दी से उन्हें थाम कर खुद से लगा लिया। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें कामयाब ना होने दिया। अम्मी, मेरी बात सुने आप, मैंने कहना चाहा, लेकिन अम्मी ने मेरी बात कता कर दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पहले मेरी बात तो सुने। नहीं सुनती तुम्हारी बात, अम्मी, मैंने कहा, लेकिन वो तो किसी सूरत मेरी बात सुनने पर आमादा दिखाई नहीं देती थी। उनके जारहाना अंदाज पर मैं और मरीना दोनों ही हैरान थे। आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। इसी तगोदो में वो खुद को मुझसे छुड़ाने में कामयाब हो गईं और फिर एक झटके से उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया।
बताओ अली, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो, बताओ, खामोश क्यों हो? वो हिज़यानी अंदाज़ में चिल्लाईं तो मैंने होंठ भींच लिया और ख़ुद को बेबस महसूस करने लगा। अम्मी, मेरा गिरेबान तो छोड़ें। मैंने गिरेबान छुड़ाने की कोशिश की। नहीं छोड़ूंगी, पहले बताओ मेरी बेटी कहाँ है। तुम लोगों ने मुझे बीमार समझा हुआ है, हर वक्त टाल देते हो, लेकिन आज मैं तुमसे मालूम करके रहूंगी। बताओ कहाँ है रोज़ीना और क्यों नहीं आई अभी तक? अम्मी ने तो गोया आज रोज़ीना के बारे में मालूम करने की कसम ही खा ली थी, और उस लम्हे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, उन्हें तसल्ली कैसे दूँ। अम्मी, मेरा गिरेबान तो छोड़ें, बताता हूँ। मैं मुलतजी हुआ, नहीं छोड़ूंगी, पहले बताओ। वो भी गोया अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मैंने इस्तफहामिया और मशवरा तलब नज़रों से मरीना की तरफ़ देखा, लेकिन वो भी बेहद परेशान और उलझी हुई दिखाई दे रही थी। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? मेरी तरफ़ देखो और बताओ, अम्मी ने गुस्से से कहा। भाई, मेरा मशवरा है आप अम्मी को रोज़ीना के बारे में बता दें, बिलाआख़िर मरीना ने फैसला कुन लहजे में कहा। रोज़ रोज़ के झूठ बोलने से तो बेहतर है कि एक बार ही सच बोल दिया जाए। लेकिन मैं कश्मकश में पड़ गया, जबकि अम्मी के चेहरे पर हैरत और परेशानी की मिली जुली कैफियत थी। झूठ, सच, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? अम्मी ने कहा। कैसा झूठ, कैसा सच? ओ, रोज़ीना के साथ कुछ हो तो नहीं क्या? बताओ अली, क्या हुआ है रोज़ीना के साथ? क्या वो ठीक तो है ना? बताओ अली, तुम खामोश क्यों हो? कहते साथ ही उन्होंने मेरे गिरेबान को झटका दिया था, जिससे मेरी शर्ट के दो बटन भी टूट कर बेड पर बिखर गए थे। मैंने अम्मी की तरफ़ देखते हुए कहा, अम्मी कूल डाउन, रोज़ीना कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ? अम्मी ने मेरी बात नज़रअंदाज कर दी। बताओ अली, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा, बताओ। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, और चंद लम्हों के बाद अम्मा जुलैखा दरवाज़ा खोल कर अंदर आईं। हमने उनकी तरफ़ देखा, उनके चेहरे पर परेशानी और खौफ के मिले जुले तासुरात उभरे हुए थे। बीबी जी के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए वो कहते कहते रुक गईं। अम्मी ठीक हैं, आप जाएं, मैंने कहा, तो वो दरवाज़ा बंद करके चली गईं। तुम मुझे बताते हो या नहीं? अम्मी ने धमकी आमेज़ लहजे में कहा, तो मैंने होंठ भींच लिए। मरीना के मशवरे के मुताबिक बिलाआख़िर मैंने यही बेहतर समझा कि अम्मी को सच बता दूं। हो सकता है सच सुनने के बाद उनकी हालत बेहतर हो जाए और वो हिज़यानी की कैफियत से बाहर निकल आएं। बाज़ औक़ात सदमे भी तबीयत की बेहतरी का बाइस बनते हैं। 4 माह होने वाले थे, हमने अम्मी से मुसलसल झूठ बोला था, लेकिन कब तक झूठ बोलते? सच तो आखिर एक ना एक रोज़ सामने आना ही था, तो मैंने यही सोचा कि आज ही क्यों ना बता दूं। जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। हालांकि अम्मी को मालूम था कि रोज़ीना अगवा हो चुकी है, लेकिन इस वक्त उनकी हालत नॉर्मल थी। अब उनकी हालत और कैफियत बदली हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा था। क्या सोच रहे हो अली, बताओ मुझे? उनकी आवाज़ मेरी समाअत से टकराई तो मैं सोचों के हिसार से बाहर निकल आया। फिर मैंने अम्मी की तरफ़ देखते हुए कहा, अम्मी, रोज़ीना अगवा हो चुकी है, आपको पहले भी बताया था। क्या? अम्मी ने बेसाख्ता कहा। फिर दूसरे ही लम्हे वो सकते की हालत में चली गईं। उनकी आंखें पथरा गईं, उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल फट जाएगा, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी और सब कुछ फना हो जाएगा। उसी लम्हे मुझे रोना आया, लेकिन मैं खुद पर जब्त किए हुए था। मैंने मरीना की तरफ़ देखा तो उसकी आंखें नम थीं। इस लम्हे मेरी कैफियत क्या थी, ये बताना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जानता था कि मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा था। रोज़ीना अगवा? अम्मी ने बमुश्किल ही ये अल्फाज अदा किए थे, फिर वो मेरी बाहों में झूल गई थी। वो सदमा बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश हो गई थी। सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है रूसिया। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बरवक्त आप तक पहुंच सके। रात के 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे। मैं और मरीना छोटे से ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे, साथ ही साथ चाय भी पी रहे थे। अम्मी कमरे में दवाइयों के जेरे असर सो रही थी। रोज़ीना के अगवा के सदमे ने उनके दिमाग पर एक बार फिर गहरा असर डाला था, और होश में आने के बाद उन्होंने रोज़ीना को पुकार पुकार कर बेहद वावेला मचाया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मैंने मरीना के मशवरे पर अम्मी को सब कुछ सच बता तो दिया था, लेकिन नहीं जानता था कि अम्मी यह सदमा बर्दाश्त कर भी पाएंगी। आखिर सच तो बताना ही था, आज या कल। अब जब उनकी तबीयत रिकवर हो रही थी,
तो आज फिर सच सुनने के बाद वो एक बार फिर होशो हवास खो बैठी और चीखने चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, इसलिए अम्मा जुलैखा फौरन डॉक्टर को ले आईं, जिसका उस गली के नुक्कड़ पर क्लिनिक था। डॉक्टर फवाद ने उन्हें सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी में चली गई थी और फिर सो गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि अम्मी के दिमाग पर किसी गहरे सदमे का असर है, उन्हें जल्द अज जल्द किसी अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, वरना उनकी दिमागी हालत बिगड़ सकती है। यहाँ तक कि अगर उनका बर वक्त इलाज ना करवाया गया तो वो होशो हवास खो सकती थी, उन पर शेजोफीनिया का भी अटैक हो सकता है। इस लम्हे मुझे शानी चौधरी बासित और चौधरी साजिद पर बे इंतहा गुस्सा आया था, जिनकी वजह से आज मेरी माँ इस हालत में पहुँची थी। मैंने कसम खा ली थी कि मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा, उन तीनों के साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा, ऐसा सलूक के वो मरते दम तक याद रखेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और अम्मी को कैसे संभालूं। ये परेशानी भी दामनगीर हो गई थी कि बकौल डॉक्टर, अगर अम्मी का बर वक्त इलाज ना करवाया गया तो वो शेजोफीनिया के अटैक से होशो हवास खो सकती हैं। अम्मी की हालत ठीक होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आई थी तो उन्हें रोज़ीना का ख्याल आ गया था। काश उन्हें रोज़ीना का ख्याल ही ना आता। बज़ाहिर मेरी नज़रें टीवी पर थीं, लेकिन मेरा दिमाग अम्मी के बारे में सोच रहा था। फिर सोचते सोचते मेरी नज़र मरीना पर पड़ी तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। वो साकित व जामिद टीवी देख रही थी, आंखें भी झपक नहीं रही थी। उसका चेहरा बेतासुर था, ऐसे लगता था जैसे वो पत्थर की मूर्ति बन गई हो। उसकी ये हालत देखकर मैं भी परेशान हो गया। मरीना, मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। वो बदस्तूर पत्थर की मूरत बनी टीवी की तरफ देख रही थी। जब मैंने दूसरी बार उसे पुकारा तो वो बेख्तियार डर कर चौंकी, जैसे जागने की हालत में कोई भयानक ख्वाब देख रही हो। उसके चेहरे पर भी यकलख्त हरासियत उभर आई थी। क्या हुआ भाई, मुझसे कुछ कहा? उसके लहजे में भी सरासीमगी थी। तुम ठीक तो हो मरीना? मैंने दिल गिरफ्तगी से इस्तफसार किया। मैं? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, उसने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे तुम ठीक दिखाई नहीं देती, मैंने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर अपने दिल की बात जबान पर लाते हुए बोली, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? क्यों? मैं चौंका और उठकर उसके करीब बैठकर उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। भाई, वो गुलूगीर लहजे में बोली, हम कब तक दर दर भटकते रहेंगे? कब तक आप हमें दुश्मनों से छुपाते रहेंगे? आखिर कब तक? बिलाआखिर हम उनके नरगे में आ जाएंगे। और वो रोहांसी हो रही थी, इसलिए अपनी बात मुकम्मल ना कर पाई। वो सिसकियां भर भर कर रो रही थी। उस लम्हे मेरा दिल भी गम से भर गया। मैंने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा, अल्लाह ने चाहा तो हमें कुछ नहीं होगा। वो कुछ देर सिसकती रही, फिर सीधी हुई। उसकी आंखें मतवर्रम और अश्कबार थीं। अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिनकी वजह से हम घर से बेघर हो गए हैं, उसने सिसकियाँ भरते हुए मेरे दुश्मनों को बददुआ दी। वो ज़रूर गारत होंगे, मैंने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा, और मेरे हाथों ही गारत होंगे। मरीना की बात पर मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया था। उसका खदशा बिल्कुल दुरुस्त था। आखिर कब तक मैं इन दोनों को लेकर दर दर भटकता रहूँगा? कम से कम वो दोनों तो महफूज होकर ज़िंदगी गुजारें, मेरा क्या है? मैं तो उस वक्त तक चैन व सुकून से नहीं रहूँगा जब तक मेरे दुश्मन कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच जाते और रोज़ीना को भी बाजियाब नहीं करवा लेता। मरीना चंद लम्हे मेरी तरफ देखती सिसकियाँ भरती रही, फिर बोली, भाई मैं भी अम्मी की हालत के पेशे नज़र परेशान हूँ। डॉक्टर की बातें रह रह कर मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। भाई आप हैदर साहब से बात तो करें, उनका कोई ना कोई डॉक्टर वाकिफकार होगा, मरीना ने मशवरा दिया और मुझे काबिल अमल लगा। मैं हैदर साहब से बात करता हूँ, मैंने मरीना को तसल्ली दी। अब अपना मूड ठीक करो और जाकर मुंह हाथ धो लो, रोने से तुम्हारी शक्ल बिगड़कर भूतनी की तरह हो गई है। मेरी बात पर मरीना हंसती, वो उठकर जाने लगी तो मैंने कहा, मुझे अच्छी सी चाय भी बना कर पिलाओ, अगर अच्छी ना बनी तो? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इस्तफसार करने लगी। तो मैंने सोचते हुए कहा, फिर भी पी लूँगा। मरीना हंस दी, फिर वो वाशरूम में चली गई जबकि मैं टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने उसे चाय पिलाने का इसलिए कहा था ताकि उसका जहन मुंतशिर हो और जो डर और खौफ उसके दिमाग में जगह बना रहा है वो रफा हो जाए। थोड़ी देर के बाद मरीना मेरे लिए चाय बना लाई। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे चाय की तलब नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने लिए नहीं बनाई। वो अम्मी के कमरे में चली गई और मैं चाय सिप करने के साथ साथ खबरनामा भी देखने लगा।
रात 10 बज गए थे, लेकिन चौधरी बासित और बबली के हवाले से न्यूज़ नहीं चली थी। मैंने सारे चैनल सर्च कर लिए थे, लेकिन किसी चैनल पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं चल रही थी। शायद हैदर अलमास साहब ने अभी तक ये सनसनीखेज न्यूज़ किसी चैनल को ना दी हो। बहरहाल मैं रात 11 बजे तक टीवी के सामने बैठा रहा। फिर मुझे जब बोरियत होने लगी तो मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। मैं बेड पर लेटा ही था कि हुमैरा का मैसेज आ गया। उसने पूछा था कि हमारे घर के गेट पर ताला क्यों लगा हुआ है और मैं कहाँ हूँ। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया तो 2 मिनट के बाद उसका फिर मैसेज आ गया, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने फिर भी जवाब ना दिया तो 2 मिनट बाद ही उसका तीसरा मैसेज आ गया। लिखा था, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं।